सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? और आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम सुबह मंदिर में पूजा करके जा चुके हैं और ये मेरे हस्बैंड अब पूजा करने आए हैं, क्योंकि ये जेठ का बड़ा मंगल चल रहा है, शुरू हुआ है। और वैसे तो हम लोग सभी लोग बड़े मंदिरों में मंगलवार को पूजा करने जाते थे, मगर सारे मंदिर इस समय बंद चल रहे हैं, इसलिए हम अपने कॉलोनी के ही मंदिर पूजा करने के लिए आते हैं। और ये मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और मैं पूजा सुबह करके जा चुकी हूँ। और वैसे तो आज के दिन बहुत ही धूमधाम रहती थी, रोडों पर मेले लगते थे, बहुत ही अच्छा लगता था, मगर इस बार सभी मंदिर में सन्नाटा पसा हुआ है और सन्नाटा छाया हुआ है। और बाहर भंडारे भी आज के दिन बहुत सारे लगते थे, मगर इस बार कहीं भी कुछ नहीं लग रहा है। और जिसको भी जो कुछ दान करना हो, वो जो सब जगह जगह किचन बने हुए उसी में जाके दान कर सकते हैं, जिससे गरीबों को खाना पीना मिल सके और बाहर भीड़ भी ना हो। और हम उधर अपने घर में किचन में इन लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। और आज इन्होंने पीपल के पत्तों की माला चढ़ाई है, जो कि हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इस समय बाजार में कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, जो घर में सामान उपलब्ध है उसी से हम लोग पूजा कर रहे हैं। और हमने इधर इन लोगों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। और आज हम नाश्ते बना रहे हैं पोहा, और पोहा बड़े आराम से बन जाता है और घर में सारा सामान भी रहता है, और पोहा बहुत ही टेस्टी लगता खाने में। और हमने इसकी तैयारी पहले से करके रखी थी, इसमें मूंगफली दाना और आलू हमने पहले से फ्राई करके रख लिया था, जिससे हमको बनाने में आराम रहे जल्दी जल्दी। और चाय मेरी देख उधर पक चुकी है और फटाफट पोहा बना रहे हैं, और ये मोटा चूड़ा है जो कि आराम से भीग भी जाता है। और हमने पोहे में कड़ी पत्ता और सरसों का तड़का दिया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और कड़ी पत्ता वैसे भी हम लोग के सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसको हम लोग को यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, मगर ये बहुत ही अच्छा, हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए हमने थोड़ी सी चीनी भी डाली हुई है और टमाटर भी डाला है। अगर आप टमाटर नहीं चाहते हैं तो आप इसमें नींबू डाल सकते हैं। और वैसे भी हमने अपने चैनल पे वीडियो पे कई तरह के पोहे बनाने दिखाए हैं, अगर आप चाहते हैं तो उन पे जाके पोहा बनाना देख सकते हैं। और इसमें हमने मूंगफली और आलू जो है मिक्स कर दिया है, और ये हमारा पोहा बनके तैयार हो गया है। और चाय भी पक चुकी है और हम सभी के लिए नाश्ता निकाल रहे हैं। और वैसे भी सुबह सुबह हम लोग को कुछ हेल्दी नाश्ता ही करना चाहिए, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और ये हम चाय निकाल रहे हैं, और इसके बाद हम लोग फटाफट नाश्ता करेंगे। और हमने दोपहर की वीडियो नहीं शूट की है, और ये देखिए सुबह से ही लग रहा था मौसम कुछ खराब है, और शाम होते होते कितना मौसम खराब हो गया है, और काली घटा बिल्कुल छा गई है और बहुत ही तेज आंधी चली। और देखिए काली घटा बिल्कुल छाई हुई है, बहुत तेज़ी से आंधी चल रही है, और ये देखिए बादल काले काले छाए हुए हैं,
और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, रोज़ रोज़ काले बादल छा जाते हैं, पानी बरसता है, ओले गिरते हैं, और प्रकृति पता नहीं क्या चाहती है। और लगता है ये हम लोगों से बदला ले रही है, जो हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है वो उसी का बदला ले रही है। इधर कोरोना वायरस हम लोग को परेशान किए हुए है, उधर आंधी पानी से, और ये देखिए पेड़ कितनी तेज़ी से ले, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे गमले गिर ना जाएं। और ये हम रात के खाने के लिए किचन में आ चुके हैं, और आज हमारा मेन्यू है मटर की सब्जी और दाल भरी कचौड़ी और गलका। और अब हम दाल मटर की सब्जी बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरह से बना रहे हैं। और ये मटर की सब्जी सिंपल ही खाने में अच्छी लगती है, इसमें बहुत तेज़ मसाले नहीं अच्छे लगते हैं। उधर मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, और इधर मैंने जीरा डाल दिया है, और जब तक हमारा जीरा तड़क रहा हम फटाफट प्याज डाल देंगे उसमें, और प्याज को हल्का सा डाल करेंगे। और मैंने मटर बनाने के लिए रात में ही मटर को भिगो के रख दिया था, और उसे 3 सीटी लगा के उबाल लिया। इसमें मैंने कोई सोडा नहीं डाला था, सिर्फ हल्का सा नमक डाल के उबाला है, और प्याज लाल हो गई मेरी, और इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है। और इस मौसम में कुछ चटपटा खाने का ही मन करता है, तो हमने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग सा डिनर तैयार किया जाए जो कि खाने में सबको अच्छा लगे। और ये आम का मौसम आ गया है, इसलिए हम लोग ने गलका बनाया है। और आप लोग भी गलके को किस नाम से पुकारते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम लोग तो इसको गलका कहते हैं। और ये मटर हमने डाल दी है, और मटर को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसमें हम बहुत ही ज़रा सा पानी डालेंगे क्योंकि बहुत रसेदार हमको नहीं चाहिए ये सब्जी। और बस इसको 5 मिनट और हम इसको पकाएंगे। और ये गलका है जो हमने पहले से बना के रख लिया था, और ये दाल है उड़द की जो कि हमने पहले से भून के पीस के इसको रख लिया है, और ये दाल भुनी बहुत ही अच्छी लगती है। और इसमें धनिया है, मिर्चा है, अदरक है, ये सब डाल के हमने तड़का दे के भुनी है। और इधर फटाफट हम बर्तन धो ले रहे हैं, और शाम के समय या सुबह हो बहुत ही काम हो जाता है, और सभी को निपटाना पड़ता है एक एक करके। और इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग घर में हैं, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हम महिलाओं को हर तरह का काम करना पड़ रहा है। और इधर मैंने आटा सान के तैयार कर लिया है, और कचौड़ी भरने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और इधर फटाफट भरते जाएंगे, उधर हम लोग तोड़ तोड़ के दे रहे हैं। और जिससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, तेल चढ़ा के कढ़ाई रख दी है धीमी आंच पे। अब हमने पूरी डाल के हमने छोटी देखी कि तेल हुआ है कि नहीं, और हम कचौड़ी उधर बेल के रखते जा रहे हैं जैसे हमको उतारने में आसानी रहे। और फटाफट हम कचौड़ी बेल रहे हैं,
और इसको हम धीमी धीमी आंच पे ही तलेंगे जैसे ये खस्ता बने। और ये हमारी कचौड़ियाँ धीमी धीमी आंच पे तल रहे हैं इसको, और ये देखिए कितनी लाल लाल हो गई हैं। और ये खस्ता ही कचौड़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है, और गल के साथ तो खाने का और ही मज़ा आ जाता है। और ये फटाफट हम सारी कचौड़ी उतार ले रहे हैं, और ये कुछ पूड़ियाँ भी हम उतार रहे हैं जो मटर की सब्जी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरा ये खाना बनकर तैयार है। इसमें हमने बनाया है मटर की सब्जी, दाल भरी कचौड़ी, पूड़ी और गलका। और आप इस तरह से बना के देखिए। और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।